हे गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्टार लाइफ पे। सो गाइस बहुत टाइम के बाद हम सुबह इन दोनों को लेके आए हैं यहाँ पे हमारे नॉर्मल जो जंगल वाला रूट है वो। तो बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं वो सॉरी व्लॉग बना रहे हैं ऐसे वॉक का। काफ़ी टाइम के बाद जाके ऐसा व्लॉग बना रहे हैं। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है पैरों के साथ ही बनाया था, उसके बाद हमने ये वाले व्लॉग्स नहीं बनाए। तो आज के व्लॉग में थोड़ी बात कर लेते हैं ऑफ लीशिंग पे। तो देखो क्या ही बात है, ऑफ लीश करते 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 बहुत बार बता चुका हूँ मैं ऑफ लीश में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। ऐसी जगह से स्टार्ट करना होता है, लोग जहाँ पे कम हो वहाँ से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। दूसरी, अब जैसे हमारी डेजी है, अभी हम साथ नहीं लाए, अभी आप उसे ढूंढ रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डरती है। तो ऐसे ही मेरे पास एक बंदे का और मैसेज आया, उन पर पिटबुल है, तो उसका मैसेज क्या आया कि भाई मेरा पिटबुल बहुत ज़्यादा डरता है बाहर जाने से और लोगों से भी। तो देखो अगर आपका डॉग 6 मंथ से छोटा है तो ये उसकी एज है, वो ऐसे में करेगा ही करेगा। 6 मंथ के क्या बात क्या होता है, जो मेनली उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है हाई हो जाता है। मेल्स में जैसे उनकी फर्स्ट हीट आने के आसपास हो जाती है, फीमेल्स में भी उनकी फर्स्ट हीट आने के आसपास का टाइम होता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है। अब उस टाइम पर क्या होता है, डॉग जो है अग्रेशन दिखाता है दूसरे डॉग्स पर या कुछ, तो उस टाइम जो है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का आपका तरीका है। आपको सबसे बेस्ट वे और सबसे बेस्ट टाइम वही है अपने डॉग का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का, कि उस टाइम पे उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा वो। अगर आपका मेल है तो डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा, और फीमेल है तो उसका भी जो है बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा, वो भी थोड़ा सा अग्रेशन दिखाएगी, अग्रेसिव थोड़ा सा हो जाएगी। तो बाकी अगर ज़्यादा अग्रेसिव डॉग है तो आपको उस टाइम पर कंट्रोल करना है, और अगर जैसे डरता वरता है या फिर कुछ है तो उस टाइम पर आपको उसका बेस्ट टाइम है कि आप उसको वो तरीका जो है सॉल्व कर सकते हो, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उस टाइम पे। जिमी आ जा। तो ये तरीका है अगर आपका डॉग डरता है तो। बाकी अब नेक्स्ट व्लॉग जैसे नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें हम पपीज़ को लाना चालू करेंगे अपने, जैसे जिमी का पपी है हमारा पुष्पा जो है उसको लेके आएंगे, और जो डेजी है उसको लेके आएंगे, उनकी वॉक ज़्यादा चालू करेंगे आपसे, क्योंकि अब उनकी वही एज है जिनमें उनको रनिंग वनिंग करानी चालू करनी पड़ेगी ताकि उनकी हेल्थ हाइट अच्छे से निकले। उस सब का क्या फ़ायदा होगा वो आपको हैंड टू हैंड पता चलता रहेगा, क्योंकि आपको रिजल्ट्स दिखते रहेंगे, है ना। जिमी की अभी हीट आई थी कुछ टाइम पहले, 4-5 दिन पहले ये हीट पे से प्रॉपर गई है अपने, तो अब की बारिश की हीट हमने मिस करवाई, क्योंकि लास्ट 2 बारिश इसके पपी हो गए थे। एक बारी तो किसी को मिल नहीं पाए थे, खैर कुछ भी नहीं हो पाया था, बाकी नेक्स्ट टाइम जो हुए हेल्दी बच्चे हुए थे सारे, कुछ लोगों को मिले कुछ लोगों को नहीं मिले, जिन्हें मिले चलो मैं आपको लिए एक नई वीडियो भी बनाऊंगा बीच में, उसमें आपको सारे जिमी के बच्चे दिखाऊंगा जो जो हमारे आसपास में हैं। हमें सिर्फ 2 पपीज़ का नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्योंकि वो कहीं दूर सेल आउट हुए हैं आउट ऑफ दिल्ली, बाकी जो 3-4 थे वो हमारे आसपास में ही हैं। तो एक वीडियो बनाएंगे आपको सबको दिखाऊँगा कि कैसे थे और कैसे हो गए, जिन जिन पे हैं सबसे बात करेंगे, किनके पास हैं किनके पास नहीं है, किसी ने आगे दिए नहीं दिए सबको देखेंगे, और जो जो हमें मिल जाएंगे उन सब की हम वो भी बना देंगे वीडियो कि कैसे थे और कैसे हो गए, ठीक है। इनका ला रहे हैं ये देखो, इनमें से कोई सा भी बिल्कुल जाएगा ही नहीं पास में, बिल्कुल ऐसे इग्नोर मार देते हैं ये जैसे कोई था ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं। चलो जिमी की तो हम मान सकते हैं 2 साल प्लस हो गई है एज, बाकी रॉक्सी को आप देख सकते हो अभी 1 ईयर प्लस होने वाली है, ये फरवरी एंड के आसपास में ये 1 ईयर प्लस होगी, और इस एज में जो कितने फ्रेंडली भी है, करेजियस भी है, और नॉर्मली इग्नोर भी कर देती है लोगों को, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। तो बस यही था छोटा सा ब्लॉग। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग पर लाइक कर देना, चैनल पे पहले वीडियो देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो, नेक्स्ट आने वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।